नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। बुलंदशहर में मस्जिद में घुसकर गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या। बुर्का पहनकर घुसे थे हमलावर। ईद वाले दिन दोस्त ने दोस्त को मार डाला। 10 जुलाई को लापता हुआ था बुजुर्ग, ईंट से कूच कर हत्या की। पेट्रोल पंप कर्मी से हुई लूट में एक और गिरफ्तार। 20,000 रुपए तमंचा कारतूस बरामद। भदोई में 3 गांजा तस्करों पर गैंगस्टर। 70 किलो गांजे के साथ हुए थे गिरफ्तार। जमानत पर है गैंग का सरगना। महाराजगंज में रोड एक्सीडेंट में महिला की मौत। रात में टहलने निकले 5 लोगों को बाइक सवार ने मारी टक्कर। अस्पताल में 4 भर्ती। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। अवैध रूप से करता था असलाई की तस्करी। 4 मामले में वांटेड था। जालौन में टीचर ने मासूम को डंडों से पीटा। रीढ़ की हड्डी में आई चोट। शिकायत पर प्रिंसिपल बोले नाम काट दूंगा, मुकदमा दर्ज। मैनपुरी में 30 वाहन चोर गिरफ्तार। 68 बाइक, 5 तमंचा बरामद। चोरों के अन्य साथियों की तलाश जारी। अंबेडकर नगर डीएमएसपी की गाड़ी में नहीं एचएसआरपी। आरआई बोले कहीं ना कहीं अप्लाई किए होंगे 5,000 के जुर्माने का नियम। जानलेवा हमले के आरोपी तो फिर पीड़ित को मारी गोली। गोली मारने के 15,000 के इनामी को पुलिस नहीं कर सकी गिरफ्तार। यूपी में बारिश ना होना से किसान परेशान। सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक। बोले सामान्य से कम हुई बारिश, हर स्थिति के लिए रहे तैयार। उन्नाव में युवक को पीटने वाले 2 सिपाही निलंबित। भाई का बचाव करने पहुंचा था चौकी। वृंदावन में नगर निगम का चला बुलडोजर। 10 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त। प्लॉटिंग कर माफिया ने गेट बनवा लिए थे। चलती ट्रेन से कूदकर भागे 2 अपराधी। प्रयागराज जंक्शन के पास हुई घटना। बिहार से गिरफ्तार कर ले जा रहे थे दिल्ली। सावन के पहले दिन बरेली में बवाल। बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र स्थित बिरयानी की दुकान पर शराब पिलाने को लेकर 2 समुदाय भिड़े। एटा में एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह बोले एनडीए की राष्ट्रपति पद की कैंडिडेट को रबर स्टैंप कहना आदिवासियों का अपमान। एसपी ने सीओ और थानेदार के संघ की बैठक। थानेदारों को लगाई फटकार। बोले तरीका सुधारो नहीं तो थानेदारों के लिए ऑप्शन है। बस्ती में अबुल ख्याल ट्रस्ट कार्यालय में मारपीट। ट्रस्ट की दुकानों का किराया मांगने पर हुआ था विवाद। 150 लोगों पर दर्ज मुकदमा। गोंडा डीएम ने सुनी दिव्यांग की समस्या। जल्द से जल्द जमीन को कब्जा मुक्त कराने का दिया आदेश। बागपत में राकेश टिकैत बोले अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक छल। एमएसपी पर गारंटी कानून बगैर नहीं मिलेगा किसानों को लाभ। मेरठ के दुर्वेशपुर गांव में सनसनीखेज वारदात। प्रेमिका की हत्या। खून से लथपथ प्रेमिका से लिपट कर रोया फिर खुद को गोली मारी। ओपी राजभर देंगे द्रौपदी मुर्मू को वोट। सभा के साथ गठबंधन पर बोले फिलहाल तो साथ है, टाइम आने पर बताएंगे। गाजीपुर में मांगों को लेकर शिक्षक लामबंद। सरकार की उदासीन रवैया और मांगे पूरी न होने पर जताया आक्रोश। बदायूं में मासूमों से कराई जा रही शराब तस्करी। फैजगंज बेहटा में ठेके खुलने से पहले ओवर रेट बेची जा रही शराब। अफसर अंदर। बांदा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। झगड़े के बाद चाकू से गोद कर मार डाला। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम की जांच। लखनऊ लुलू मॉल में नमाज विवाद पर एफआईआर। मॉल मैनेजमेंट ने कहा नमाजी हमारे स्टाफ के नहीं थे। प्रेमिका के बाद डॉक्टर दोस्त ने दी जान। मेरठ में नर्सिंग स्टूडेंट थी प्रेमिका लड़की। प्रेमी आजमगढ़ में था। आजमगढ़ प्यार में लड़की ने तोड़ी मजहब की दीवार। हिंदू लड़के के साथ मंदिर में लिए सात फेरे। 2 वर्ष पहले शुरू हुई थी मोहब्बत। कानपुर देहात में बुजुर्ग का कुएं में मिला शव। 2 दिन से था लापता। परिजन बोले मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कार के गेट से टकराई स्कूटी सवार की मौत। ड्राइवर के
गेट खोलते ही सिर के बल भिड़ा, उछलकर सड़क के दूसरे साइड गिरा। लखनऊ के मॉल में पढ़ी गई नमाज को लेकर भड़के सांसद सतीश गौतम, कहा ये पाखंडी लोग है दिखावा करते हैं। बदायूं में झोलाछाप डॉक्टरों का, ग्रामीण इलाकों में बोलबाला, बिना डिग्री बिना मेडिकल लाइसेंस के डॉक्टर चला रहे क्लिनिक। बुलंदशहर में 6 दिन पूर्व मासूम हर्ष का अपहरण के बाद हत्या, मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार शर्मा। यूपी में पत्रकारों पर जानलेवा हमला जारी, अलीगढ़ में पत्रकार के परिवार पर पड़ोसियों ने किया हमला, आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज। बदायूं में महिला के घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, नहीं हुई कार्रवाई, डीएम के एक्सरे विभाग में की शिकायत। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान 5 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में राशन वितरण के नए नियमों को लेकर डीएम सांसद विधायक ने राशन डीलरों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। गोरखपुर में घरेलू गैस के दामों में वृद्धि और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बाल विहार चौराहे से पैदल मार्च किया। अलीगढ़ जनसंख्या पर मुख्यमंत्री योगी के बयान पर रुबीना खानम ने किया समर्थन, कहा बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज अशिक्षित होगा। कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी धर्मा और उसके साथी बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। अलीगढ़ में निजी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए काटा हंगामा। कानपुर देहात पहुंचे प्रदेश सरकार के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, मंत्री ने गिनाई सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां। रायबरेली में शराब के धोखे में 2 युवक पी गए पिपरमिंट का तेल, एक की मौत, दूसरे का इलाज चल रहा। संभल में डोर टू डोर राशन वितरण प्रणाली की खुली पोल, फ्री राशन की हो रही जमकर कालाबाजारी। सिद्धार्थनगर में ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों ने की बैठक, बैठक में समिति के प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। संभल में जमीन के विवाद में सगे भाई ने बहन की हत्या की, बहन की हत्या कर हत्यारोपी भाई फरार। वाराणसी के केदार घाट पर बाबा के जयकारों से गूंज उठा, स्वच्छता के नारे भी लगे, कहा नहीं रुकेगा स्वच्छता अभियान, हम स्वच्छ करेंगे, श्रद्धालुओं से अपील। सिद्धार्थनगर में आश्रम बहुओं ने अस्पताल पर लगाया भद्रता का आरोप, आश्रम बहुओं ने मेन गेट में लगाया ताला। कानपुर में 1984 सिख दंगों को लेकर एसआईटी गिरफ्तारी जारी, सिख विरोधी दंगे में अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार। महाराजगंज के दौरे में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद चंदन, नदी पर बने पुल का किया लोकार्पण, करीब 14 करोड़ की लागत से बने हैं पुल। और में अज्ञात कारणों से 2 दुकानों में लगी भीषण आग, आग लगने से लगभग 9 लाख का सामान हुआ जलकर खा। फरुखाबाद दबंगों ने रास्ते की जमीन पर किया कब्जा, रास्ते को लेकर एडीएम के दरबार में पहुंचा दिव्यांग। फिरोजाबाद में कलयुगी बाप ने बेटी की गला काट कर की निर्मम हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे बाप को हिरासत में लिया। गोंडा में 18 प्लस के फ्री वैक्सीनेशन का कवायद तेज, कोविड हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने पहुंचे डॉक्टर उज्जवल कुमार। हमीरपुर में बाइक सवार ने 2 युवकों को रौंदा, घर के बाहर सड़क किनारे बैठे थे दोनों युवक, एक युवक की हुई मौत। कन्नौज में दबंगों का कहर, पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ दी तहरीर। कानपुर चकरपुर मंडी में पकड़ा गया मोबाइल चोर, कई दिनों से फोन चोरी की घटनाओं को देता था अंजाम, फोन चुराने में रंगे हाथों पकड़ा गया युवा। हमीरपुर में 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 23 किलो अवैध गांजा हुआ बरामद। कानपुर देहात डीएम नेहा जैन के पौधारोपण संकल्प को लगा पलीता, नगर पंचायत अकबरपुर ने पौधे को लगाने के बजाय कूड़े में फेंका। कुशीनगर में पैसे के विवाद में व्यवसायी को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल स्वर्ण व्यवसायी को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े खेत में दिखे बदमाश, गन्ने के खेत से भागे दो बदमाश, पुलिस ने गन्ने के खेत में बदमाशों की शुरू की तलाश। लखनऊ के केजीएमयू में ट्रामा सेंटर से भागे ईरानी गैंग के दो बदमाशों को फरुखाबाद पुलिस ने दबोचा, बुधवार सुबह हुए थे दोनों फरार। प्रयागराज में शख्स को बाइक सवार ने मारी गोली, गोली मारने के पीछे वजह नहीं हो पाई साफ, परिवार के मुताबिक किसी से कोई विवाद था। यूपी होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के अपर निदेशक निलंबित, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई। रायबरेली धान लगाने के विवाद में आपस में भिड़े दो परिवार, दबंग महिला ने युवती को लाठी डंडों से जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगेंगे हजार जवान, ड्रोन कैमरे से निगरानी, एसपीजी ने गांव में डाला डेरा, मौसम खराब हुआ तो सड़क से जाएंगे पीएम। एसडीएम ने कारोबारी के घर पर चलवा दिया बुलडोजर, कसूर उधार फर्नीचर बेचकर 2.67 लाख का पेमेंट मांग लिया था। प्रतापगढ़ में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक निलंबित, बीएसए ने 6 अध्यापकों का वेतन रोका, स्कूल में जमीन पर बैठे मिले बच्चे। ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी प्रेमिका ने दी जान, एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे, शादी के लिए घर वाले राजी नहीं हुए तो सुसाइड किया। अंबेडकर नगर में किसान यूनियन ने दिया धरना, किसानों की समस्या के निस्तारण के साथ राजकीय नलकूपों को ठीक करने की मांग। बरेली में आरएसएस प्रचारक से मारपीट करने पर 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, भद्रता को लेकर आरएसएस पदाधिकारी भी मुकदमा दर्ज। उन्नाव में रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा, दोस्त को छोड़कर घर लौट रहा था। भदोही के 61 साल के युवा एथलीट 10 वर्षों में जीते 43 मेडल, 17 गोल्ड 17 सिल्वर, चंदा करके जाते थे विदेश खेलने। संभल सांसद बर्क का जनसंख्या मुद्दे पर भागवत पर पलटवार, बोले इंसान और जानवरों की तुलना गलत। श्रावस्ती में सीएचओ की एक्टिंग का वीडियो वायरल, ड्यूटी के दौरान बनाई रील, बोली अच्छा लगता है जानू फिर से कहूं ना। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।